we are trying to find out distance between different data objects. And whenever we are talking about finding the distance between data objects, we have to deal with the types of those data objects. Ab ye jo data objects hain, inki different types hain. Some are written here, such as nominal, symmetric, asymmetric, numeric, ordinal. आप में से कोई याद कर सकता है कि इनसे क्या मुराद थी? जैसे लेट्स से नॉमिनल से मुराद क्या है? नॉमिनल से मुराद ऐसा डेटा वैल्यूज थी जिनके अंदर हमारे पास वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज टू और मोर देन टू हो. जैसे हमने कलर की एग्जांपल ली थी कि कलर कैन बी रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड सो ऑन. सिमेट्रिक से मुराद हमने क्या लिया, एसिमेट्रिक से क्या लिया, ये आप इन पर सोचें और इनको डिफरेंट इंटरनेट के सोर्सेज से इनकी एग्जाम्पल्स भी कलेक्ट करें. मूविंग ऑन, वी हैव न्यूमेरिक डाटा एंड देन ऑर्डिनल डाटा. ऑर्डिनल डाटा जो है हमारे पास ऐसा डाटा होता है जिसमें हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए कोई ऑर्डर होना जरूरी हो. जैसे लेट से आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को जब हम स्टोर करते हैं तो हम कहते हैं इट इज आइदर हॉट, देन माइल्ड, कोल्ड, वेरी कोल्ड एंड सो ऑन. तो अब हमारे पास डिफरेंट इंटरवल्स होते हैं या ऑर्डर होते हैं कि हाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. अब होता क्या है हमारे पास कि जब हम डाटा को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, डाटा को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमें इन डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सेट्स में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मेजर करना है. अब होगा क्या कि डाटा जो है हमारे पास बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो इन पांचों या छह टाइप्स में से एक टाइप का हो. अक्सर जो हमारे पास डाटा सेट्स आते हैं दोज आर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर ऑफ दीज. तो अगर हमने ऐसा डिस्टेंस मेजर निकालना है कि जो ऐसे डाटा सेट पे अवेलेबल हो जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का डाटा मौजूद हो, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम सारे के सारे डाटा को इकट्ठे एक जगह पे रखें और उसके बाद एक ही ऑपरेटर परफॉर्म कर दें, अप्लाई कर दें. क्या ये अच्छा ऑपरेटर होगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले सारे के सारे डाटा सेट को एक कॉमन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. दूसरा तरीका क्या है कि पहले हम डेटा को लें, जिस टाइप का डेटा है उसके ऊपर उसी तरह का डिस्टेंस मेजर करें, अप्लाई करें, और फिर हम उस डेटा के साथ अपनी माइनिंग की या प्रेडिक्शन के एल्गोरिथम्स अप्लाई करें. लेट्स से कि हम इसी टाइप पे सेकंड वाले फार्मूले को देखें, तो ये हमें क्या एक फार्मूला देता है कि जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि हम एक वेटेड फार्मूला बना रहे हैं टू कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. जब हम इस तरह के एट्रीब्यूट्स की बात करें जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, सच एज नॉमिनल, सिमेट्रिक एंड सो ऑन, तो हमें अब करना क्या पड़ेगा? हमें काफी सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे जिनके अंदर हमें पहले डाटा की स्केलिंग करनी पड़ेगी, जिसके अंदर डाटा जो है वो एक कॉमन स्केल में लेट से 0 और 1 के दरमियान आ जाए एंड सो ऑन. मूविंग ऑन, अब मैं यहां पर एक इक्वेशन प्रेजेंट कर रहा हूं जो बता रही है कि हमारे पास हमने डिस्टेंस मेजर करना है बिटवीन आई एंड जे ऑब्जेक्ट. ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके अंदर जो डिस्टेंस मेजर करना है दैट इज रिटन ऑन दिस साइड. अब यहां पर हमें समझने के लिए हमारे डिफरेंट केसेस बनेंगे. अब वो केसेस इटसेल्फ क्या होंगे? क्या अब हमारे पास जब इस डेटा को हम लेते हैं, इस फार्मूले को, तो हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं. लेट्स से कि अगर मैं ये बात करता हूं कि हमारे पास जो डेटा है दैट इज न्यूमेरिक. अब अगर डेटा न्यूमेरिक है तो फिर क्या होगा हमारे पास? यहां से हम ये ले रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ आई एंड जे जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई एफ माइनस एक्स ऑफ जे एफ. तो अब ये चीज हमें क्या चीज बता रही है कि हमारे पास जो डेटा आया इसके दरमियान हमने ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है इफ इट इज अ न्यूमेरिक डाटा. न्यूमेरिक से मुराद क्या है? ऐसा डाटा जो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में मौजूद हो. अच्छा, अब हम क्या अगला स्टेप हम यहां पे क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास डाटा जो है दैट इज नॉमिनल आर बाइनरी, तब हम क्या चीज करेंगे? अगर हमारे पास डाटा नॉमिनल है या बाइनरी है तब हमारे पास क्या बनेगा कि ये जो डी आई जे और फंक्शन एफ है इट बिकम्स 0 इफ एक्स ऑफ आई एफ इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे एफ. अगर ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में बराबर हैं तो डी आई जे जो डिस्टेंस है वो दोनों का 0 होगा, वरना डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? 1 होगा. यानी कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इट इज 0, अदरवाइज इट इज इक्वल टू 1. अब ये हमने कॉमन सी बिल्कुल आसान सी चीज बता दी. मूविंग ऑन, अगर हम यहां पे ये बात करें, लेट मी रब दिस,
कि अब हमारे पास क्या होता है कि कुछ वैल्यूज सिमेट्रिक मिसिंग हो सकती हैं, कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज मिसिंग हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि लेट्स से फिर हमारे पास ये वाला पैरामीटर आएगा पार्शियल डेरिवेटिव का या पार्शियल डिस्टेंस का। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा आई जे एफ इज इक्वल टू जीरो। कौन से केसेस हैं वो? अगर नंबर वन एक्स आई एफ और एक्स जे एफ इन दोनों में से कोई भी मिसिंग है, यानी कि जिसकी वैल्यू अननोन है, या दूसरा क्या हो सकता है कि एक्स आई एफ इज इक्वल टू एक्स जे एफ इज इक्वल टू जीरो, कि ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं या तो एक दूसरे के बराबर हैं और ये फिर जीरो के इक्वलेंट हैं, एंड एफ इज एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट। इससे मुराद क्या है हमारे पास कि एसिमेट्रिक से मुराद क्या था कि जहां पे डेटा वैल्यूज जो हैं वो इक्वलेंट नहीं होंगी, जैसे लेट्स से कि कहीं पे जो पॉजिटिव वैल्यू है उसकी जो अहमियत होती है वो बहुत ज्यादा अहम होती है, इफ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सम पेशेंट केस और डिजीज केस। अच्छा, अगर तो ये वैल्यूज ट्रू हो तो ये जीरो के इक्वलेंट होगा, अदरवाइज वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा आई जे इज इक्वल डेल्टा आई एफ इंटू एफ इज इक्वल टू वन। तो अब हम यहां से सीख क्या रहे हैं बेसिकली कि यहां पे हमारे पास इन पैरामीटर्स की मदद से डेल्टा की या डिस्टेंस की मदद से हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को चेंज कर सकेंगे, उनको मेक यूज कर सकेंगे। अच्छा, यही चीज हमने जब बात की कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है या डिस्टेंस मेजर्स हैं, इनको मैंने यहां पर अगेन एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो बाइनरी एट्रीब्यूट्स हैं या नॉमिनल एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए हमारे पास क्या फार्मूलाज होंगे एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। यहां पर मैंने दोबारा उनकी वैल्यूज लिखी कि किस केस में डी आई जे इंटू एफ इज इक्वल टू जीरो और वन, और उसके लिए हमारे पास जरूरी है कि जब हमारे पास आयथ एट्रीब्यूट ऑफ एक्स और जेथ एट्रीब्यूट ऑफ एक्स दे आर इक्वल, कब होंगे? जब हमारे पास डी आई जे इंटू एफ इज इक्वल टू जीरो एंड अदरवाइज इट वुड बी इक्वल टू वन। मूविंग ऑन, लास्ट जो हमारे पास चीज है दैट इज रिलेटेड टू ऑर्डिनल एट्रीब्यूट। अब इस ऑर्डिनल एट्रीब्यूट में हम क्या बता रहे हैं कि ऑर्डिनल एट्रीब्यूट वो डेटा होता है जिसमें हमारे पास ऑर्डर की इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। जैसे अगर हम साइज की बात करें तो साइज को हम ये कह सकते हैं कि इट कैन बी इक्वल टू मीडियम, स्मॉल, लार्ज एंड सो ऑन। अब अगर इस तरह का डेटा हमारे पास है तो इसको कैसे हमने डिस्टेंस मेजर में लेके जाना है, तो इसके लिए जो जरूरी कंसेप्ट है कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट वैल्यू है लेट्स से इट इज एक्स आई एफ, सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है इसके रैंक से। रैंक से मुराद क्या है कि लेट्स से कि अगर हम कह रहे हैं कि स्मॉल इज स्मॉल का कोई रैंक है, मीडियम का, लार्ज का, तो हमने पहले एक मैट्रिक्स बनानी है या एक एरे बनानी है जिसके अंदर हमने हर इंडिविजुअल एलिमेंट को उसके रैंक से कन्वर्ट कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप हम कर रहे हैं उसमें उस रैंक को हम नॉर्मलाइज करेंगे बिटवीन रेंजेस 0 एंड 1। जब हमारे पास ये वैल्यूज 0 और 1 के दरमियान आ जाएंगी तो उसके बाद ये सिंपल हमारे पास इंटरवल स्केल्ड होगा। इंटरवल स्केल से मुराद क्या है कि इस पे जो हम न्यूमेरिकल डिस्टेंस के मेजर्स हैं सच एज मिनकोस्की, यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस एंड डिफरेंट अदर डिस्टेंसेज, वी कैन अप्लाई दोज सॉर्ट ऑफ डिस्टेंसेज वंस दिस ऑर्डिनल एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड इनटू सम इंटरवल स्केल्ड डेटा।